हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून वेलकम टू बैंकिंग वाला कैसे हो आप सब लोग जी हाँ आई एम ऑडिबल टू ऑल सबको आवाज आ रही कि नहीं एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा इज एवरीथिंग ओके सब कुछ सही है कि नहीं एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा सो वी विल स्टार्ट विद द सेशन कल भी हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे करंट अफेयर्स के एंगल में करंट अफेयर्स के सिनारियो में आ, जिनके ऊपर हमारी बात हुई थी कल के लेक्चर में जहां पे हमने करंट अफेयर्स ओरियंटेड एमसीक्यूज आज भी वही हमारा फोकस होगा विल ट्राई टू कवर फोर्टी एमसीक्यूज अगर सपोज टाइम फ्रेम में उतने एमसीक्यूज नहीं हो पाए तो ऑब्वियसली पीडीएफ के थ्रू ये सारे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये आपको मिल जाएंगे सो यस गाइस वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल कैसे आप सब लोग सब बढ़िया चलो तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते, आज के हमारे इस सेशन को स्टार्ट करेंगे आज के हमारे इस लेक्चर को जहां पे हम लोग SBI, PO, में बात करेंगे और majority of focus हमारा रहेगा towards, uh, current affairs, MCQs, यही के ऊपर हमारा फोकस रहेगा ठीक है चलो तो शुरू करते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के इस को, <coughs> आ, सब लोग रेडी है Shall we start the session? जी जल्दी एक बार बता दीजिएगा सेशन की शुरुआत कर दे तो चलो तो सबसे पहला एमसीक्यू आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा बड़ा सिंपल सा है बहुत इजी सा है आंसर कर दीजिएगा द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की बात हो रही है एलिमिनेटेड ऑब्लिगेशन ऑफ ऑफ फॉलोइंग डिटेल्स फॉर ऑल होल्डर्स ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी फिजिकल सिक्योरिटी की बात हो रही है एमिंग टू स्ट्रीम लाइन एंड सिंप्लीफाइड रूल तो जिनके पास फिजिकल सिक्योरिटी की उनको थोड़ा सा कम करने की बात की गई है तो मैं पोल की शुरुआत कर देता हूं पोल को स्टार्ट कर देते हैं आप आंसर कर दीजिएगा ऑटोमेटिकली वो आपके पोल में आ जाएगा ठीक है सो जस्ट वन से गाइज यस yes, चलो आंसर कर दीजिएगा सेबी ने रिसेंटली uh, कुछ एलिमिनेट uh, करने की बात की ऑब्लिगेशन को तो पैन के वाई सी नॉमिनेशन ऑल ऑफ एंड सी तो क्या लगता है आपको जी हा सेबी के जो हेड है उनका नाम है मदाबी मधाबीपुरी बूच मैम शी इज द हेड ऑफ द सेबी वैसे सेबी 1988 में क्रिएट किया गया था और 1992 में सेबी एक ऑटोनॉमस अथॉरिटी बना ऑटोनॉमस तरीके से क्रिएट किया गया सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है से भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शेयर मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई के अंदर है इसे वैसे 88 में क्रिएट किया गया था पर 1992 में इसे ऑटोनॉमी दी गई तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दबाउ तो सारे के सारे पॉइंटर्स यहां पर सही है पैन कार्ड होगा केवासी होगा नॉमिनेशन होगा पर यह सबके लिए नहीं है ये सबके लिए नहीं है इट इज ओनली फॉर फिजिकल सिक्योरिटीज बाकी सबके लिए KYC's के conditions जैसे थे, वैसे ही रहेंगे बस केवल फिजिकल के हटाने की बात के द्वारा की गई है so answer of this question is D, पे आपका answer है। so, जिया uh, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जाएंगे की तरफ जाते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू डेटा कंपाइल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मेल एग्रीकल्चर वर्कर रिसीव द लोएस्ट डेली ट्वेंटी थ्री आरबीआई ने क्रिएट किया हुआ सर्वे है तो आरबीआई के सर्वे के हिसाब से इंडिया का कौन सा स्टेट है जहां पर एग्रीकल्चर वर्कर को सबसे कम पैसा मिलता है सबसे कम पैसा मिलता है अगेन सवाल ऐसा भी पूछ सकते हैं कि दिस डेटा इज कैलकुलेटेड बाय दिस डेटा इज गिवन बाई विच अथॉरिटी यह डेटा किसने दिया हुआ है सो डेटा इज कंपाइल्ड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके तरफ ध्यान रखेगा यह आपके लिए बहुत जरूरी है यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी आंसर कर दीजिए सो so लोएस्ट so एक बार देख लेते Madhya Pradesh. Madhya Pradesh तो क्या है, है, uh, है क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग कॉस्टिंग रहेगी हर स्टेट में अलग अलग तरीके से आपको पैसा देखने को मिलेगा तो नेशनल एवरेज ये है ठीक है अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की टू ट्वेंटी नाइन पॉइंट टू पर डे ये आपको प्रदेश में दिखाई देगा सबसे हाईएस्ट जो है वो केरला के अंदर है केरला में हाईएस्ट है पर पर्सन सो दिस इज द हाईएस्ट इन केरला लोएस्ट इन द केस ऑफ मध्य प्रदेश और इंडिया का एवरेज है थ्री फोर्टी फाइव पॉइंट सेवन पैसा याद रखेगा okay. ये रिगार्डिंग जो, एग्रीकल्चर ये जो दिया, है, दिया है। मैं पहले भी क्लियर कर देता हूं यहां पे ध्यान रखिएगा दिस इज अबाउट द मेल एग्रीकल्चर वर्कर इनका डेटा है और यहां पे एवरेज अमाउंट होता है एवरेज अमाउंट है यह कोई नरेगा की स्कीम नहीं है या ये कोई किसी और गवर्नमेंट स्कीम की बात नहीं हो रही है ध्यान रखिएगा वापस एक बार रिपीट करता हूं आपने क्या सुना आपने क्या पढ़ा उससे ज्यादा क्वेश्चन की तरफ अच्छे से ध्यान दीजिए डेटा एग्रीकल्चर का डेटा आरबीआई ने दिया हुआ है लोएस्ट को ने ये पूछा गया था हाईएस्ट केरला है और यहां पे एक और पॉइंट है बहुत जरूरी है आपकी एग्जाम के लिए और वो पॉइंट यहां पे कि एवरेज क्या है इंडिया का सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश ये आपके लिए जरूरी होगा अब ना एक और चीज होती है कई बार क्या होता है हम कहीं पे कुछ न्यूज पढ़ लेते हैं हम कहीं पे कुछ न्यूज पढ़ लेते हैं और हमें लगता है कि वही चीज यहां पे भी चिपक जाएगी या वही चीज यहां पे भी इंप्लीमेंट हो जाएगी हम ध्यान नहीं देते कि जहां कहीं भी आपने न्यूज पढ़ी होगी वो न्यूज किसके द्वारा दी गई है सवाल में किसके में पूछा गया है क्रिएट करता है सो okay. so, कौन डेटा दे रहा है कौन डेटा प्रेजेंट कर रहा है किस चीज का डेटा है ये देखना बहुत जरूरी है सो so, प्लीज उसके तरफ ध्यान रखिएगा हर न्यूज ऑथेंटिक नहीं होती है और डेटा कौन दे रहा है ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा ये आरबीआई का दिया गया सर्वे इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा सो आंसर इज मध्य प्रदेश सो दीपिका साधना शीतल वेरी गुड एब्सोल्यूटली राइट आंसर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर proposed टू फाइनलाइज द नेशनल Pharmacy कमीशन बिल 2023, with which of the ऑफ द फॉलोइंग National सो नेशनल फार्मसी कमीशन बिल के इसके बारे में यहां पे बात की गई है उसका ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कशन किया था आपको शायद अच्छे से याद होगा मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस में सो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री डॉक्टर मनसुख मंदुआ साहब के मिनिस्ट्री के द्वारा ये पॉइंट मेंशन किया गया पोल स्टार्ट कर देते हैं आंसर कर दीजिए फॉर अप ऑफ द नेशनल फार्मेसी कमीशन रिपीलिंग द फार्मेसी एक्ट ऑफ 1948 प्रोवाइडिंग स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट टू फार्मासिस्ट इन केस ऑफ रिपोर्टेड फ्रॉड तो रिसेंटली जो नेशनल फार्मेसी कमीशन का प्रपोजल है उसमें किन ऑब्जेक्टिव की बात की गई है चलो आंसर कर दीजिएगा टिंग ऑफ द नेशनल फार्मसी कमिशन रिपिलिंग द फार्मी एक्ट ऑफ नाइन फोर्टी एट टू प्रोवाइडिंग स्ट्रिंजन पनिशमेंट टू फार्मासन द केस ऑफ रिपोर्ट फ्रॉड ए एंड बी ए बी एनसी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए एंड बी यहां पर कहीं पे भी ये पॉइंटर नहीं मैंशन किया गया है स्ट्रिंजन पनिशमेंट फॉर फार्मासिस्ट इन केस ऑफ रिपोर्टेड फ्रॉड ये ऑलरेडी है सेप्ट इज ऑलरेडी देर इसकी ऑलरेडी चीज मेंशन की गई है ये ऑब्जेक्टिव नहीं रखा गया ऑब्जेक्टिव हमारे पास ए एंड बी है ध्यान रखिएगा कई बार क्या होता है ऑल ऑफ दक्करों में हम मार्क कर देते याद रखिए ये जो चीज है ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी एंड बी की यहां पर बात की जा रही है सो डी यहां पर आपका आंसर रहेगा अगेन ध्यान रखना तुषार बस तुषार का ये आंसर सही है बहुत बढ़िया सो नेशनल फार्मेसी कमीशन के अराउंड बात की जा रही है यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में मेंशन किया गया है ऑलरेडी इसके ऊपर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी ये न्यूज मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस की थी तब भी यही पॉइंट बताया था मिनिस्ट्री के तरफ ध्यान रखना मिनिस्ट्री आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी सो दैट इज द केस ओवर हियर ओके सो वी आर कमिंग अप विद द न्यू कमीशन और ये रेगुलेटरी बॉडी के हिसाब से यहां पे वर्क करने वाला है अकॉर्डिंग टू द न्यू रिपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन हाउ मेनी कंट्रीज है सो डब्ल्यू एच ओ डब्लू एच ओ का डेटा और प्लस साथ में यूएस के डिजास्टर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर फॉर डिजास्टर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इनका डेटा है कि मिजल्स आउटब्रेक कितने कंट्रीज में हुआ यह सवाल यहां पर पूछा गया है

जी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 37, 37 ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो ये यहां पे पॉइंटर दिया गया द नंबर ऑफ मिजल्स डेथ ग्लोबली इंक्रीज बाय 43 परसेंट फ्रॉम द ट्वेंटी वन फॉलोइंग द इयर्स ऑफ डिक्लाइन इन वैक्सीनेशन रेट क्या हो गया कि वैक्सीनेशन रेट डिक्लाइन हो गया है पिछले कोविड नाइनटीन के बाद वैक्सीनेशन का रेट डिक्लाइन हो गया द कोविड नाइन वैक्सीन बाकी वैक्सीन थे बढ़ गए और आप डेथरेट भी देख सकते हो फोर्टी थ्री परसेंट का डेथ रेट है दिस डेटा इज गिवन बाई डब्ल्यू एच ओ एंड सी डी सी सी डी सी यूएस से बिलोंग करता है जल्दी से मुझे बताइए हमारे डब्लू एच ओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे डब्ल्यू एच ओ के हेड कौन है जल्दी से उनका नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए हु इज द हेड ऑफ डब्ल्यू एच ओ एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यू एच ओ यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए रहेगा अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा किसने दिया हुआ है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी अगेन डेथ रेट कितने परसेंट से बड़ा इसके तरफ भी ध्यान दीजिए रीजन क्या है यहां पे मेंशन किया गया है कि वैक्सीनेशन के डिक्लाइन के वजह से ये देखने को मिला जी हा के अंदर हेडक्वार्टर आता है एब्सोल्युटली स्विट्जरलैंड के जीनीवा में हेडक्वार्टर है एंड टेडेस एथनॉम साहब है जो फिलहाल डब्ल्यूएचओ के हेड है डब्ल्यूएचओ के इंचार्ज है एब्सोल्युटली राइट right. आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली रजनीश कुमार अ फैकल्टी मेंबर इन द केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलो इंस्टीट्यूट बैक द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग फॉर दर ट्वेंटी ट्वेंटी टू शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड ये रजनीश कुमार साहब को दिया गया रजनीश कुमार साहब ये कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर एज अ केमिकल इंजीनियरिंग के फैकल्टी के तौर पर काम करते हैं शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड की शुरुआत 1958 में की गई इंडिया के साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के लिए यह अवार्ड दिया जाता है इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शांति स्वरूप भटनागर साहब के नाम पर अवार्ड होता है तो सवाल यहां पर पूछा गया है कि रजनीश कुमार जो केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के फैकल्टी है ये कौन से यूनिवर्सिटी से या कौन से इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जी हाँ आई आई की बात करेंगे बहुत बढ़िया वेरी गुड आंसर सही जवाब यहां पे दिया है सो सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है ध्यान शांति स्वरूप हुनागर अवार्ड ही बीन हीसुइंग द रिसर्च ऑन सिक्वेस्ट्रिंग कार्बन डायऑक्साइड अ प्रोसेस बाय विच कार्बन इज रिटर्न टू द अर्थ okay. so, के सो सिक्वेस्ट्रियन का कंसेप्ट सीओ टू सिक्वेस्ट्रियन के ऊपर रिसर्च वर्क किया दैट्स ही गॉट द अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड इसको मानते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंगल में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में कौन सा अवार्ड दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 58 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई तो काफी ओल्ड अवार्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस अवार्ड को देती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ये मिनिस्ट्री तय करती है अवार्ड किसे दिया जाएगा जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा हमारे देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है एक बार वो भी देख लेते हैं सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी आईआईटी मद्रास की यहां पे बात हो रही है यस मेनी ऑफ यू गिव द राइट आंसर बहुत बढ़िया वेरी uh, गुड जी हां डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की बात करेंगे ही इज द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते हैं चलो नदी जिबर नोटबुक बाय द सुप्रतिम करमरकर हैज रिसीव्ड नमिता चट्टोपाध्याय साहित्य सम्मान ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री द बुक पब्लिश इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू फोकस ऑन इंडियाज सो ये बेसिकली बुक को लेकर ये सवाल पूछा गया बुक्स एंड ऑथर्स वाले सवाल आते हैं अवार्ड वाले भी सवाल आते हैं दोनों कैटेगरीज में ये है सो so, यहाँ पे बुक का नाम लिखा गया साथ में जो बुक के ऑथर है उनका भी नाम लिखा गया इनको कौन सा अवार्ड मिला यह भी लिखा गया सवाल यह पूछा गया कि ये बुक एग्जैक्टली किस पर्पस के लिए लिखी गई है और क्यों इस बुक को लिखा गया है दैट इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू जी आंसर क्या रहेगा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक बार देख लेते जी रिवर्स की बात करेंगे रिवर्स के ऊपर ये बुक लिखी हुई 2022 की बुक है और इसे रिसेंटली अवार्ड मिला हुआ है ठीक है ध्यान रखेगा सो दैट इज द पॉइंट विच इज मेंशन ओवर हियर सो बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बी यहां पे आपका आंसर बन जाएगा <coughs> चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड हु वन टॉप मेल आर्टिस्ट अवार्ड बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड ये वर्ल्ड uh, का वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड इसको मानते हैं ग्रैमी अवार्ड के बाद म्यूजिक इंडस्ट्रीज में इस अवार्ड का नाम काफी बड़ा होता है बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड तो रिसेंटली अवार्ड दिया गया ये अवार्ड में मेल आर्टिस्ट का नाम पूछा है जी मॉर्गन वैलन पेसोप्लोमा ट्रेविस्कॉट लू कॉम्स बैड बनी के अवॉर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मॉर्गन वेलन की बात करेंगे महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के कैटेगरी के अंदर टेलर स्विफ्ट को ये अवार्ड मिला है एंड पुरुषों के कैटेगरी के अंदर मॉर्गन वेलन गॉट दिस अवार्ड सो बिलबोर्ड अवार्ड की यहाँ पे बात की जा रही है तो ए ए इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑब्वियसली अवार्ड्स को लेके भी एग्जाम में सवाल आते हैं बहुत बढ़िया हंड्रेड परसेंट ऑफ यू गेव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जैवियर बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ जैवियर मेलई ये किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए ठीक है ध्यान रखेगा जी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अर्जेंटीना की बात करते हैं जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अर्जेंटीना का कैपिटल सिटी क्या है व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ अर्जेंटीना जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा चलो ऑलरेडी आंसर यहाँ पे आ गया ब्यूनस एरियस की बात करेंगे पेसो इज द करेंसी ऑफ अर्जेंटीना इंडिया अर्जेंटीना रिलेशनशिप भी काफी स्ट्रांग है काफी तगड़ी है तो ये भी पॉइंट यहां पे याद रखेगा सो यस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एप्सोल्यूटली राइट अर्जेंटीना की यहाँ पे बात करेंगे डी यहाँ पे आपका आंसर बन जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा प्लान टू रेज अप टू फिफ्टीन थाउजेंड करोड़ कंप्राइजिंग नॉट मोर देन फाइव थाउजेंड करोड़ वाया द अब ध्यान दीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिसेंटली पंद्रह हजार करोड़ का पैसा रेज करने की बात की हुई है सो ये पैसा किस बॉन्ड के नाम पे रेज किया जाएगा अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है बैंकिंग का क्वेश्चन है सो ध्यान दीजिएगा एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स टीयर टू डेट बॉन्ड्स पावर बॉन्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स और द हाउसिंग बॉन्ड्स सो किस बॉन्ड के भरोसे ये पैसा रेस करने की बात यहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा कर रहा है जी लेट्स सी हाउ मेनी आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन एडिशनल टीयर वन बॉन्ड टीयर टू बॉन्ड पावर बॉन्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स और द हाउसिंग बॉन्ड्स टू डेड बॉन्ड्स की बात हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड ग्रीन शू एडिशनल एट थाउजेंड करोड़ ऑफ टेन ईयर अपू सेवन ईयर ये जो बॉन्ड्स है यहाँ पे एट थाउजेंड करोड़ की बॉन्ड की ये ग्रीन शू ऑप्शन के साथ ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब है अगर जरूरत पड़ी तो और एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं जब भी ग्रीन शू ऑप्शन होता है तो वहां पे थोड़ा सा आ, थोड़ा सा फ्रीडम होता है थोड़ा सा और एक्सटेंड करने की परमिशन होती है ग्रीन शू ऑप्शन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की बात की बट वेन इट कम्स टू दीज बॉन्ड्स ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड करोड़ टीयर टू डेड बॉन्ड्स है सो so, टीयर वन एंड टीयर टू ये बैंकों के नॉर्मली कैपिटल्स का टाइप होता है बैंकों के जो कैपिटल्स होते हैं उसमें टीयर वन कैपिटल और टीयर टू कैपिटल ऐसे क्लासिफिकेशन होते हैं

कैपिटल uh, को लेके और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इशू करेंगे पर ये ग्रीन शू ऑप्शन के साथ आएगा ग्रीन शू ऑप्शन मार्केट ओरिएंटेड टर्म है जहां पे एक्स्ट्रा पैसे रेस करने की परमिशन दी जाती है सेबी uh, के द्वारा uh, या फिर हमारी किसी भी रेगुलेटर के द्वारा यहां पे ऑब्वियसली आरबीआई का रोल रहेगा सो आंसर यहां पे बी आपका आंसर रहेगा जी आ, एक बार uh, देख लेते कितने लोगों ने सही आंसर किया सो कुंजल देबोलीना दीपिका तुषार बहुत बढ़िया वेरी गुड आंसर अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया रिजर्व पोजिशन विद द इंक्रीज टू के इंडिया का रिजर्व पोजिशन आई एम एफ कितना इंक्रीज हुआ है देखिए जो भी फॉरिन करेंसी आती है जो भी फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास आता है उस फॉरेक्स रिजर्व को हम चार तरीके से मेंटेन करते हैं पहला होता है कि द फॉरेक्स रिजर्व इज मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट दूसरा होता है हम गोल्ड के तरीके से मेंटेन करते हैं तीसरा होता है हम एस डी आर स्पेशल ड्रॉइंग राइट मेंटेन करते हैं और चौथा होता है हम आई एम एफ के पास रिजर्व मेंटेन करते हैं तो सवाल उसी के एंगल में पूछा गया कि आरबीआई ने मेंशन किया कि इंडिया रिजर्व पोजिशन ऑफ आई एम एफ इज इंक्रीज टू हाउ मच बिलियन डॉलर इन द मंथ ऑफ नवंबर तो व्हाट आर द फॉरेन करेंसी व्हाट आर द फॉरेन करेंसी रिजर्व्स वी आर गेटिंग वी आर मेंटेनिंग दोस फॉरेन करेंसी रिजर्व्स इन फोर वेज मैक्सिमम पैसा हम फॉरेन करेंसी एसेट्स में मेंटेन करते फिर गोल्ड में कुछ पैसा स्पेशल ड्राइंग राइट में मेंटेन किया जाएगा और बाकी जो पैसा है वो आईएमएफ के रिजर्व पोजीशन में मेंटेन होता है आंसर इज 4.7 4.719 बिलियन की आप ये बात करते हैं सो दैट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगेन ध्यान रखिए ये फॉरेक्स रिजर्व का डेटा चेंज होते रहता है कभी फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाएंगे कभी फॉरेक्स रिजर्व कम होंगे हम जो आईएमएफ के पास रिजर्व में रखते हैं उसका फायदा यह होता है कल अगर सपोज हमारी हालत श्रीलंका की तरह हो गई हमारी हालत सपोज पाकिस्तान की तरह हो गई ऐसी होगी तो नहीं बट इन केस अगर हो गई तो फिर हमें यहां पे मदद करने के लिए आईएमएफ के पास ऑलरेडी रिजर्व रखा हुआ है सो विच कैन बी हेल्पफुल फॉर अस वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है अगेन एक पॉइंट याद रखना सवाल ये भी बनता है कि फॉरेक्स रिजर्व कौन मेंटेन करेगा आरबीआई ये डेटा किसने दिया आरबीआई तीसरा फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करते हो किस तरीके से मेंटेन करते तो फॉरेन करेंसी एसेट गोल्ड एस और आई रिजर्व ट्रेंज ज्यादा अमाउंट किस में मेंटेन किया जाता है तो ज्यादा परसेंटेज ये एफ में, में मेंटेन करते हैं ये भी थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखेगा सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई अब ऑप्शन में कहीं पे भी ई e नहीं है तो उसके जगह पे आप लोग ए मार्क करते हो तो वहां पे मार्क कर लेंगे पर आंसर यहाँ पे है अब ध्यान रखिए uh, कितने कितने हैं हैं आप देखो foreign currency कितने है? इसके comparison में बहुत ज्यादा है गोल्ड रिजर्व डिक्रीज बाय है फॉरेन करेंसी इंक्रीज हुआ है foreign currency आईएमएफ रिजर्व ट्रेंज भी इंक्रीज हुआ है इंडिया तो सब कुछ इंक्रीज हुआ है गोल्ड रिजर्व डिक्रीज कर दिए है तो यह भी एक सवाल बन सकता है कि रिसेंट का जो डेटा है उसमें क्या क्या चीजें इंक्रीज हुई है और क्या चीजें डिक्रीज हुई है सो आरबीआई गोल्ड में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है दे आर मेंटेनिंग मोर मनी इन फॉरेन करेंसी एसेट दे आर मेंटेनिंग मोर मनी इन एस डी आर मेंटेनिंग मोर मनी ट्रेंच और गोल्ड को थोड़ा सा रेड्यूस कर दिया बिकॉज वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है फिलहाल मार्केट में गोल्ड को लेकर गोल्ड के इन्वेस्टमेंट को लेकर कॉमन इंसान को बहुत पसंद आता है पर आरबीआई आरबीआईसली बहुत फ्यूचरिस्टिक एंगल में देखती है तो उन्होंने तय किया कि गोल्ड को थोड़ा सा डिक्रीज करके बाकी जगहों पे इंक्रीज कर देते हैं यहां पे नंबर्स आप एस बी पीओ के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो नंबर्स की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा अगर आप एस बी पीओ की मेंस नहीं दे रहे हो तो नंबर शायद आपके लिए इतना मैटर नहीं करेगा पर एस बी पीओ की एग्जाम देने वाले प्लीज नंबर्स की तरफ ध्यान रखिएगा ठीक है सो आंसर तो हमने देख लिया था चलो आगे बढ़ते हैं Recently श्री अश्विनी वैष्णव इन्फॉर्म दैट 27 फर्म्स ग्रांटेड अप्रूवल अंडर द न्यू आईटी हार्डवेयर पी स्कीम आई स्कीम ऑफ ऑफ दी 2.0 स्कीम हैज बीन सेट फॉर हाउ मेनी इयर्स अश्विनी वैष्णव साहब के पास दो मिनिस्ट्रीज आती है रेलवे यहाँ पे मेंशन किया गया और दूसरा यहाँ पे एक और पॉइंट मेंशन किया गया रिगार्डिंग द इनके पास रेलवे के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री आती है तो हमारे पास प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है हमारे पास एक स्कीम है स्कीम का नाम है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जिसके अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग को प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं तो इस पीएलआई स्कीम के अंदर आईटी टी हार्डवेयर की बात की है तो ये स्कीम जो है ये कितने सालों के लिए काम करेगी ये सवाल यहां पे पूछा गया है यह सवाल यहां पे मेंशन किया गया है जी हाँ आंसर कर दीजिए अगेन प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंदर कितने सेक्टर्स आते हैं कोई बताएगा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंदर कितने सेक्टर्स की बात की जाती है एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए हाउ मेनी सेक्टर्स आर अंडर पीएलआई यस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिक्स के तो करेक्ट आंसर इज सिक्स यहां पे आंसर आपका डी बन जाएगा छ साल के लिए इसे इंप्लीमेंट करने की बात की है सो डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है वेरी गुड गाइस सही जवाब आप लोगों ने यहां पे दिया अगेन आईटी हार्डवेयर्स की बात हो रही है सो पीएलआई सेक्टर्स की अगर बात करें पीएलआई के अंदर 14 सेक्टर्स आते हैं चौदह सेक्टर्स उसमें से आईटी हार्डवेयर में लैपटॉप टैबलेट पीसीज सर्वर्स अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म ऑफ फैक्टर डिवाइसेस इन सब की बात की जा रही है अश्विनी वैष्णव साहब के पास दो मिनिस्ट्रीज आती है ये तो क्लियर है वी हैव द फोर्टीन सेक्टर्स चौदह सेक्टर हमारे पास है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में यह भी एक पॉइंट यहां पे अच्छे से याद रखिएगा जो एग्जाम के लिए काफी जरूरी रहेगा चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे रिसेंटली दैट इज एसोसिएशन फॉर लर्निंग परफॉर्मिंग आर्ट एंड नॉर्मेटिव एक्शन सोसायटी ऑर्गेनाइज टू डे इंटरनेशनल इवेंट बाय दिव्यांग आर्टिस्ट नोन एज चलो बताइएगा यह बड़ा इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द टू डे इंटरनेशनल इवेंट फॉर दिव्यांगशन सोसाइटी इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया सवाल यह पूछा है इस इवेंट का नाम बताइए इवेंट का नाम क्या है क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है वॉट इज द नेम ऑफ द इवेंट साहस प्रयास संभव प्रतोषणना प्रतोषन और आ, संभवम सो इज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर इवेंट इस इवेंट का कोई फुल फॉर्म नहीं है नहीं तो इसका फुल फॉर्म ढूंढते बैठोगे सो so, आंसर इज संभव संभव इसका आंसर है संभव नाम से इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बाकी तो इनफ रहेगा सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन चलो गाइज मुझे एक बात बताइए इंडिया में जो दिव्यांगजन होते हैं इंडिया में जो दिव्यांगजनों की बात होती है उनके लिए कौन सी मिनिस्ट्री काम करती है दिव्यांगजनों के लिए कौन सी मिनिस्ट्री काम करती है यहां पे फंक्शन किसने ऑर्गेनाइज किया किया उनका नाम लिखा है फुल फॉर्म भी मेंशन और फंक्शन का नाम भी आपने सही तरीके से बताया नाउ मेरा सवाल यह कि दिव्यांगजनों के लिए इंडिया में कौन सी मिनिस्ट्री है जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है जो बेटर वे में काम करती है जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की बात करेंगे बहुत बढ़िया अभी जो प्रोग्राम रखा गया था इस प्रोग्राम के अंदर केवल इंडिया नहीं ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश भूटान इंडोनेशिया ईरान म्यांमार नेपाल रशिया श्रीलंका थाईलैंड यहां के भी आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया सो so, ये इंटरनेशनल लेवल का हम इवेंट कह सकते हैं जहां पे अलग अलग कंट्रीज के आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया जी जिया सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार साहब मिनिस्टर है और उनके द्वारा दिव्यांग जनों का दिव्यांग जनों के लिए पॉलिसीज या योजनाएं बनाई जाती है फंड मैनेजर सर्वे कंडक्टेड बाय बैंक ऑफ अमेरिका विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस आर द मोस्ट प्रिफर्ड मार्केट इन द एशिया पैसिफिक रीजन बहुत जबरदस्त सर्वे है और इस सर्वे का काफी ज्यादा फायदा इंडिया को होने वाला है तो आप शायद आंसर समझ गए होंगे तो ये जो सर्वे है ये बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा कंडक्ट किया गया फंड मैनेजर सर्वे तो इनका कहना है कि सबसे प्रीफर्ड मार्केट एशिया पैसिफिक रीजन में कौन सा है सबसे प्रीफर्ड मार्केट इसका फायदा यह होगा कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में इसके वजह से अट्रैक्ट होगा सो इट्स अ वेरी गुड थिंग सो विच कंट्रीज आर वेरी तो मैंने कहा था इंडिया वेफरेबल रहेगा तो जापान एंड इंडिया ये दो कंट्रीज सबसे बेस्ट है विथ फोर्टी फॉलोड बाय इंडिया विथ ट्वेंटी उसके बाद थाईलैंड चाइना ऑस्ट्रेलिया इनके नंबर आते हैं इसका फायदा क्या है बेसिकली कंट्रीज बहुत अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है ये दो कंट्रीज बड़ी बेस्ट ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इस नजरिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है जापानीज एट द टॉप इंडिया इज एट द सेकंड नंबर डिफरेंस बहुत बड़ा बिकॉज़ जापान 45% पे है और इंडिया ट्वेंटी फाइव परसेंट पे फिर भी हम पे आ रहे विच इज अ गुड साइन सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर बनेगा ये ऐसी न्यूज आती रही तो इंडियन इकोनॉमी और बूस्ट करेगी और बेहतरीन तरीके से वर्क करेगी चलो आगे बढ़ते हैं Which ऑफ द following editions ऑफ इंटर कमांड ओशन सेलिंग हैज been flagged ऑफ बाय द इंडियन नेवी इन द नवंबर 2023? एडिशन ऑफ इंटर कमांड ओशन सेलिंग नेवी का ये प्रोग्राम होता है इसका कौन सा एडिशन है जिसको रिसेंटली फ्लैग ऑफ किया गया रिसेंटली इसकी शुरुआत की गई जी आंसर कर दीजिएगा फर्स्ट थर्ड सेकंड, फोर्थ फिफ्थ यस आंसर इज सेकंड एब्सोल्युटली राइट बहुत बढ़िया वेरी गुड आंसर के सो द सेकंड एडिशन ऑफ द इंटर कमांड के फ्रॉम कोची टू गोवा ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा ये बेसिकली ओशन सेलिंग रेस होती है रेस के तौर पे इसे ऑर्गेनाइज करते हैं जी आर कुमार सर हमारे नेवी के हेड है इंचार्ज है लोकेशन के तरफ ध्यान रखिए बाकी तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा और आंसर आपका यहाँ पे सेकंड है सेकंड सी इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सो वेरी गुड हंड्रेड परसेंट ऑफ यू द राइट आंसर सिद्धांत बहुत बढ़िया चलो आगे बढ़ते हैं द एरोनोटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन ऑन एरो एंड एविएशन ट्वेंटी इन ट्वेंटी फोर्टी सेवन एट यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर इन न्यू दिल्ली

द्रौपदी मुर्मू मैम अमित शाह सर राजनाथ सिंह साहब या निर्मला सीतारमन जी जी हाँ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंडियन प्रेसिडेंट जी बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन द्रौपदी मुर्मू मैम यहां पे प्रेजेंट थे और उनके द्वारा इसे इनोग्रेट किया गया एब्सोलूटली राइट right यहाँ पे सिग्निफिक uh, एलवन इसके बारे में भी मैम ने बात की उनके स्पीच के अंदर तो इंडिया के एरोस्पेस और एरोनोटिक में क्या क्या डेवलपमेंट है इसके बारे में यहां पर मैंशन किया गया सो मेनी ऑफ यू गिव द राइट आंसर बहुत बढ़िया दोस्तों वेरी गुड सो आंसर तो हमने देख लिया आगे बढ़ते हैं रिसेंटली एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द सेकंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया टू प्लस टू फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग्स वेर कंक्लूडेड देखो टू प्लस टू डायलॉग इंडिया यूएस के बीच में भी हुआ के वो भी न्यूज में चल रहा था और रिसेंटली इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी टू प्लस टू डायलॉग्स कंडक्ट किए गए सो ये कहां पे कंडक्ट किए गए ये सवाल पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया का फाइनल था के उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इंडिया का फाइनल था जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गई वापस वापस याद दिलाने से दुख होता है पर रियलिटी पता होना जरूरी है कोई बात नहीं अब उसके बाद ये मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज की गई थी जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है जी दिस मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज इन न्यू न्यू दिल्ली दिल्ली में से सो डिफेंस मिनिस्ट्री एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया सेम वे डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया यूएस का टू प्लस टू डायलॉग कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था कोई बताएगा इंडिया यूएस का टू प्लस टू डायलॉग कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा फटाफट आंसर कर दीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं डब्ल्यू एच ओ एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन प्रोजेक्ट कोलेबोरेशन एग्रीमेंट इन जीनीवा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विल ज्वाइंटली कंप्लीट दर्क ऑफ फॉर्मुल ग्लोबल स्ट्रेटेजी फॉर तो यह स्ट्रैटेजी कौन से ईयर के हिसाब से बनाई जाएगी यह सवाल है यह तो हमें ऑलरेडी पता है कि आयुष मिनिस्ट्री और डब्ल्यू एच ओ ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर काफी एक्टिवली काम कर रहे हैं लास्ट टाइम गांधीनगर में कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जामनगर के अंदर लास्ट टाइम एक सेंटर ओपन करने की बात की गई थी अब यहां पे सवाल पूछा गया है, अब यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ईयर के हिसाब से यहां पे ग्लोबल स्ट्रेटेजी क्रिएट की जा रही है जल्दी आंसर कर दीजिए 25 टू 34, 23 टू 32, 24 टू ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी थ्री टू थर्टी टू सो किस एंगल में अगेन आयुष मिनिस्ट्री एंड डब्ल्यूएचओ का कॉन्फ्रेंस हुआ था ट्रेडिशनल मेडिसिन का गांधीनगर में डब्ल्यू एच और आयुष मिनिस्ट्री मिलकर एक सेंटर ओपन कर रही है जामनगर के अंदर तो दोनों चीजें गुजरात में हो रही है ये के अंदर का एग्रीमेंट है और जहां पे ग्लोबल स्ट्रेटेजी 25 टू तो 34 के एंगल में क्रिएट की जा रही है एब्सोल्युटली राइट right. काफी लोगों ने सही आंसर किया हुआ है सो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वेरी गुड गाइस सही जवाब बहुत बढ़िया सो so याद रखिएगा गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आयुष मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय सर सर्बानंद सोनवाल साहब जो आयुष मिनिस्ट्री के फिलहाल हेड है इंचार्ज है केनियन फिल्म मेकर वनूरी कहि विल बी अवार्डेड विद द स्पिरिट ऑफ सिनेमा अवार्ड ट्वेंटी एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला शी वॉज रिकोग्नाइज फॉर हर एफर्ट अगेंस्ट द कंजर्वेशन वैल्यूज इन केनिया एंड हर मूवमेंट टू रीशेप द परसेप्शन ऑफ़ अफ्रीका सो ये बेसिकली मूवी डायरेक्टर भी है के इसके अलावा ये खुद एक एक्टिविस्ट भी है सो so, चलो आंसर कर दीजिए ये केरला का फिल्म फेस्टिवल है बाय द वे जो हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया चल रहा है गोवा में उसमें सत्यजित रे अवार्ड किसे दिया जा रहा है बता दीजिएगा यहाँ पे बात करते हैं एफ्रो बबल so काम करते हैं तो ध्यान रखिएगा अब ये बबल नाम क्यों दिया गया एग्जैक्टली वाई दिस नेम इज बिन गिवन क्या होता है अफ्रीकन uh, के तरफ देखने का एक ना एक स्टेपुलेटेड तरीका होता है के, बबल बबल होता है ना बबल की भाई इसी नजरिए से देखना उसी एंगल में देखना के So, उससे बाहर निकल के अफ्रीकन पीपल अफ्रीकन कंट्रीज कितनी बेहतरीन है वो जो नजरिया है वो नजरिया इन्होंने मूवीज के थ्रू भी दिखाया और उनके सोशल मूवमेंट के थ्रू भी दिखाया एंड दैट्स वाई शी गॉट द अवार्ड इसलिए इनको अवार्ड मिला हुआ है सो so ये दिया गया अगेन जी हाँ माइकल डगलस साहब है जिनको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया वहां सत्यजीत सत्यजित अवार्ड दिया गया ये भी एक पॉइंट याद रखिए अब ना माइकल डगलस साहब के बारे में लगभग सभी लोग जान रहे हैं तो शायद सवाल ऐसा भी बन सकता है क्योंकि ये भी बड़े फेमस फिल्म मेकर है तो यहां पर भी सवाल आपके लिए क्रिएट हो सकता है ध्यान रखिएगा Which of the following nations नेशन been चोजन टू होस्ट द मिस यूनिवर्स मिस यूनिवर्स रिसेंटली कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था इसका तो आंसर हंड्रेड परसेंट सही आएगा और मिस यूनिवर्स टाइटल किसे मिला यह क्वेश्चन नेक्स्ट है तो अभी से आंसर मत करना नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर कर दीजिएगा मैंने कहा था यहां पर सबका आंसर सही आएगा जी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एल सेल्वाडोर ए इज द आंसर एल सेल्वाइ हंड्रेड परसेंट वाह बेटा वाह मौज कर दी कि यहां मोए मोए नहीं होने वाला है चलो कोई बात नहीं चलो मुझे बताइए एल सेल्वाडोर का कैपिटल क्या है एल सेल्वाडोर का कैपिटल क्या है सैन सेलवाडोर बहुत बढ़िया पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट ये वो कंट्री है ये वो कंट्री है जहां पे बिटकॉइन इज ऑफिशियल करेंसी यहां ये यह वो कंट्री है जहां पे बिटकॉइन इज द ऑफिशियल करेंसी ये पॉइंट याद रखना लास्ट ईयर इसको लेके सवाल पूछे गए थे लास्ट ईयर सवाल ये पूछे गए थे कि भाई बिटकॉइन कहां पे ऑफिशियल करेंसी है के यस यूएस डॉलर्स के अलावा बिटकॉइन ऑफिशियल करेंसी यहां पे मानी जाती है तो लास्ट टाइम ये बिटकॉइन के वजह से चर्चा में थी इस बार ये चर्चा में चल रही है मिस यूनिवर्स को लेकर तो दोनों पॉइंट है आपके लिए जरूरी बन जाएंगे चलो आगे बढ़ते हैं शेन Palacios has won the Miss Universe competition in El Salvador. The first to wear the crown from which country she belongs to? ये कौन से कंट्री से बिलोंग करती है पहली महिला है इनके कंट्री की जिनको मिस यूनिवर्स का किताब मिला है तो ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं इसका भी आंसर सभी का सही आने वाला है

द फर्स्ट प्लेस एंड द मिस ऑस्ट्रेलिया इज द सेकंड रनर अप फर्स्ट रनर अप थाईलैंड है सेकंड रनर अप ऑस्ट्रेलिया है इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था श्वेता शारदा यस श्वेता शारदा जी की बात करेंगे एब्सोल्युटली राइट बहुत बढ़िया रिसेंटली फॉर्मर ऑफ द आरबीआई एस वेंकट रमन सर पास अवे एट द एज ऑफ 92 तो ये कौन से पोजीशन पे काम किया करते थे आरबीआई के अंदर इनका रिसेंटली देहांत हुआ है ये सवाल आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत क्रूशल चलो आंसर कर दीजिएगा जी एस वेंकट रमन सर की बात करेंगे 92 टू ईयर ओल्ड थे रिसेंटली इनका देहांत हुआ है डेप्यूटी गवर्नर गवर्नर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर चीफ जनरल मैनेजर सो किस पोजिशन पे इन्होंने काम किया हुआ है यस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ही द गवर्नर ऑफ आरबीआई या आरबीआई के गवर्नर थे और इनका कार्यकाल देखिएगा एस वेंकट रमन हू मैनेज द नाइनटीन टू नाइनटीन नाइनटी टू का जो हमारा इंडिया की जो इकोनॉमी नीचे आ गई थी तब ही वॉज द आरबीआई गवर्नर ही वॉज द आरबीआई गवर्नर इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन जब इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज हो रही थी तब आरबीआई को ये संभाल रहे थे ये वो पर्सन है जब उस टाइम पे ये सेबी को भी संभाल रहे थे क्योंकि सेबी उस टाइम पे आरबीआई के अंडर काम की, आरबीआई के साथ मिलकर काम करती थी तो सेबी का इसलिए किसी ने हमारे दोस्त ने सही कहा स्कैम 1992 वाला जो सीन है वहां पे भी आपको ये दिखाई देंगे क्योंकि वो टाइम पे आरबीआई वाज मोर एक्टिव हर्षद मेहता का स्कैम बाहर नहीं निकलता अगर ये शायद एक्टिवली काम नहीं करते तो वेरी वेरी फेमस पर्सन एटींथ आरबीआई गवर्नर अठारे नंबर के ये आरबीआई गवर्नर थे तो वेरी वेरी फेमस पर्सन सो यस ऑफ कोर्स एग्जाम में क्वेश्चन काफी सारे बन सकते हैं आगे बढ़ेंगे इंटरनेशनल मेन्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन द नाइनटीन ऑफ नवंबर वॉट वॉज द थीम फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इंटरनेशनल डे अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया इसका थीम पूछा हुआ है जल्दी बता दीजिएगा नाइनटीन ऑफ नवंबर को होता है वीमेन डे कब होता है एक बार बता दीजिए महिला दिवस कब होता है एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा और महिला दिवस का थीम इस बार का क्या था यह भी एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा यस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ज़ीरो मेल सुसाइड जीरो मेल सुसाइड की यहां पे बात की गई है सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट थीम है मेल सुसाइड का परसेंटेज ये काफी इंक्रीज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन फिलहाल नहीं करूंगा बट ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जो इनोवेशन में इक्वेलिटी लाने के लिए भरोसे महिला दिवस सेलिब्रेट किया गया एट ऑफ मार्च को और मेन्स डे नाइनटीन ऑफ नवंबर जीरो मेल सुसाइड के एंगल में अब यहां पे ई तो नहीं है तो उसके जगह पे ए मार्क कर देते हैं पर थीम की तरफ ध्यान रखिए एग्जाम के लिए जरूरी है रिसेंटली सुजन शेफर्ड एन एक्टर डाइड एट द एज ऑफ 89 नाइन शी प्लेड अ नोटेबल रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज सुजन शेफर्ड इनका रिसेंटली देहांत हुआ वेरी फेमस एक्टर फ्रॉम द हॉलीवुड सो किस मूवी का इनका रोल बहुत फेमस है क्या होता है जब हम किसी और के एक्सपेक्टेशंस के भरोसे अपनी जिंदगी जीते हैं तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है लोग क्या कहेंगे लोग क्या सोचेंगे घर वाले क्या कहेंगे घर वाले क्या सोचेंगे उन चक्रों में प्रेशर काफी आता है अगर अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जियो तो बेसिकली चीजें काफी सॉर्टेड रहेगी अब ये बातें शायद बहुत सुपरफिशियल लगे पर यह रियालिटी है और यही बात कई बार की भी जाती है बट एनी दैट इज अबाउट सुसाइड और जिनका रिसेंटली देहांत है संजय गढ़वी पास अवे एट द एज ऑफ 56 सिक्स ही बिलोंग टू विच प्रोफेशन ये कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते थे वेरी वेरी फेमस पर्सन बहुत फेमस पर्सन है और रिसेंटली इनका देहांत हुआ बता दीजिएगा <coughs> गाइस yes, कोई बताएगा इनके डायरेक्ट किए हुए गए मूवीज के नाम वेरी फेमस मूवी फ्रेंचाइजी ही स्टार्टेड एंड क्रिएटेड अ वेरी गुड बर्ज सो जी आप फिल्म डायरेक्टर की बात करेंगे गढ़वी साहब की बात की जाएगी तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी डी यहां पे आंसर है आ, यस फिल्म डायरेक्टर एंड धूम धूम जो फ्रेंचाइजी है ये इनके द्वारा क्रिएट किया गया था यशराज फिल्म के अंदर तो वेरी फेमस डिरेक्टर और अनफॉर्चुनेटली इनका रिसेंटली देहांत हुआ वर्ल्ड डे ऑफ रिमेंबरेंस फॉर रोड ट्राफिक विक्टिम्स वॉज इनिशिएटेड बाय रोड पीस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर के वर्ल्ड डे फॉर रिमेंबरेंस ऑफ रोड ट्राफिक विक्टिम्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए तो बहुत ज्यादा मैटर करेगा बिकॉज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रोड ट्रैफ़िक एक्सीडेंट्स की डेथ इंडिया में होती है ये वर्ल्ड बैंक भी कहता है और हमारी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी कहती है तो चलो बताइए इसकी शुरुआत कब की गई थी थ्री टू थाउजेंड वन टू थाउजेंड हाइस्ट एक्सीडेंट्स इन तमिलनाडु हाइएस्ट एक्सीडेंटल डेथ इन यूपी ठीक है यह दोनों पॉइंट एकदम सही है आपके बिल्कुल answer is 1993 की, यहाँ पे बात की जाती है के? So याद रखेगा थीम देखो रिमेंबरम सपोर्ट एंड एक्ट ये इस बार का थीम भी रखा गया है सो आंसर इज नाइनटीन नाइनटी थ्री बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वेरी गुड गाय सही जवाब आगे बढ़ते हैं. वीमेन एंटरप्रेनरशिप डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे विमेन एंटरप्रेनरशिप डे के महिला जो अपना बिजनेस चलाती महिला जो अपने बिजनेस को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करती है उनके एंगल में ये डे ऑब्जर्व करते हैं तो ये डे कब ऑब्जर्व किया जाएगा इसके ऊपर सवाल पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है बिकॉज महिलाएँ जो अपना खुद का बिजनेस चलाती है उसके लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करता है गवर्नमेंट भी काफ़ी हेल्प करता है हमारे देश में स्टैंड अप इंडिया नाम की स्कीम है स्टैंड अप इंडिया के अंदर किसी महिला को किसी एस को या किसी एस को अगर अपना बिजनेस शुरू करना होगा तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है मुद्रा योजना के अंदर भी काफी ज्यादा जो फैसिलिटीज है वो महिला एंटरप्रेनर के द्वारा ली गई है तो उसी के एंगल में भी ये सवाल आपके लिए बन सकता है आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नाइनटीन ऑफ नवंबर नाइनटीन ऑफ नवंबर की बात करेंगे ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एब्सोल्युटली राइट ओके ध्यान रखिएगा बस एक पॉइंट है जो आपसे मुझे डिस्कस करना है वो पॉइंट ये है कि स्टैंड अप इंडिया इज द नेम ऑफ द स्कीम डेडिकेटेड फॉर वेमेन एस सी एंड एस टी कैटेगरी और मुद्रा योजना के अंदर सबसे ज्यादा लोन लेने वाले महिला बिजनेस वेमेन है ध्यान रखिए ओडिया वर्ल्ड कप अनाउंस अ प्लेयर ऑफ द सीरीज आपके जख्म पे एक बार और नमक छिड़कने के लिए ये सवाल पूछा गया है आंसर कर दीजिएगा फटाफट वेरी सिंपल एवरी वन इज गोइंग टू आंसर कितने रन स्कोर किए भाई साहब ने एक बार बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर कि कितने रन स्कोर किए भाई साहब ने जिनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया जी जल्दी से बता दीजिएगा आंसर विराट कोहली ऑफकोर्स विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड नाम लेने के लिए भी बड़ी आ, इंडिया सबसे ज्यादा हेट इसी पर्सन को करते मेरे ख्याल से के, जी सेवन सिक्सटी फाइव रन स्कोर किए विराट कोहली के बल्ले के द्वारा ये रन आए हैं सो आंसर इज ई अब ई e नहीं था तो उन्हीं के आ, कैप्टन का नाम यहां पे हम मार्क कर देते हैं जिया आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ विच ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव एज ए डिरेक्टर ऑफ द रिलायंस कैपिटल बोर्ड के सो आरबीआई ने रिसेंटली रिलायंस कैपिटल बोर्ड पे किस ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव का अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर दिया बिकॉज इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है रिलायंस कैपिटल के अंदर एंड दैट्स वाय इनको परमिशन दी गई है आरबीआई के द्वारा तो कौन सा बड़ा फेमस इंडस्ट्रियल ग्रुप है जिसके रिप्रेजेंटेटिव्स अभी रिलायंस कैपिटल के बोर्ड मेंबर बने हुए हैं हिंदुजा ग्रुप टाटा ग्रुप आदित्य बिरला ग्रुप गोदरेज ग्रुप और अदानी ग्रुप जी आंसर कर दीजिए यस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हिंदुजा ग्रुप की बात करेंगे तो हिंदुजा ग्रुप के अमोर अमर चिंतोपंथ देन शरद चंद्र जेरगावकर मोसेस नेवलिंग हार्डिंग जॉन भूमिका बत्रा अरुण तिवारी ये नाम आपको वैसे याद करने की जरूरत नहीं है सो वेरी इजी क्वेश्चन ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हिंदुजा ग्रुप हिंदुजा ग्रुप की एक बैंक भी है इंडसन बैंक जो है वो हिंदुजा ग्रुप के द्वारा ही क्रिएट की गई है अशोक लेलैंड इज ऑल्सो ओन बाय हिंदुजा ग्रुप एप्सोल्यूटली राइट यस गाइज विज़िन जाम इंटरनेशनल सी पोर्ट प्रोजेक्ट शाल बी रिव्यूड बाय द फिनेंस स्टैंडर्ड कमिटी लेड बाय के ये इंटरनेशनल सी पोर्ट काफी चर्चा में चल रहा है केरला के अंदर ये पोर्ट है के जिसके थ्रू कनेक्टिविटी इंक्रीज करने की बात की जा रही है इंटरनेशनल सी पोर्ट की बात है इस पोर्ट को रिव्यू करने के लिए कौन सी कमिटी बनाई गई है किस कमिटी का यहां पे क्रिएशन किया गया है चलो आंसर कर दीजिएगा अनंत कुमार कमेटी नजमा हेप्तुल्ला कमेटी सुरेश प्रभु कमेटी केवी थॉमस कमेटी या चौधरी बिरेंद्र सिंह कमेटी जी आंसर कर दीजिए फटाफट -फड़ कमेंट सेक्शन के अंदर अदानी ग्रुप के साथ मिलकर इसे डेवलप किया गया है अदानी ग्रुप के साथ मिलकर इसे डेवलप किया गया है जी केवी थॉमस केवी थॉमस साहब ये इंडिया के मिनिस्टर रह चुके पहले कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री इनके पास अभी पीयूष गोयल के पास वो है। तो इनके द्वारा ये कमेटी काम करेगी ये पोर्ट अदानी इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर केरला के गवर्नमेंट हैंडल कर रही है इंटरनेशनल सी पोर्ट है सो ध्यान रखिए आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी हिमसेल्फ मिनिस्टर चलो फॉलोइंग एसोसिएशन ऑर्गेनाइज द ओपनिंग सेशन ऑफ थर्टी सिक्स एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड लिटररी फेस्टिवल चलो यह किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया थर्टी सिक्स एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड लिटररी फेस्टिवल इट वॉज इन ओपनिंग सेशन वॉज इन एसोसिएशन विथ किसके साथ मिलकर इसे स्टार्ट किया गया इंडियन मैथिली राइटर्स एसोसिएशन ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन स्क्रीन राइटर एसोसिएशन इंडियन साइंस राइटर एसोसिएशन ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन तो किसके साथ मिलके इसे ऑर्गेनाइज किया गया है यस वन ऑफ द

ऑफिशियल लैंग्वेजेस तो इसी कंसेप्ट के ऊपर ये क्राइटेरिया पे क्रिएट किया गया तो जी आंसर यहां पे आपका बी बन जाएगा सो वेरी गुड गाइस 64 परसेंट ऑफ यू गिव द राइट आंसर एब्सोल्युटली राइट विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन विल प्रेजेंट द फर्स्ट इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी फॉर कमर्शियलाइजिंग न्यूक्लियर फ्यूजन पावर एट द यूएन क्लाइमेट समिट इन दुबई चलो आंसर कर दीजिएगा फॉर्मिंग नेशन विल प्रेजेंट द फर्स्ट इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर कमर्शलाइजिंग न्यूक्लियर फ्यूजन पावर न्यूक्लियर फ्यूजन पावर की यहाँ पे बात की जा रही है न्यूक्लियर फ्यूशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन के और ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है ऑलमोस्ट टेंशन खत्म हो जाएगा तो पहली बार इसे कौन यहाँ पे दिखाने वाला है कौन इसे रिप्रेजेंट करने वाला है इंडिया चाइना यूएसए यूके और जर्मनी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूएसए द वे आपको एक बात बताना चाहता हूं न्यूक्लियर फ्यूजन को लेके सबसे बड़ा रिसर्च वर्क चाइना कर रही है चाइना इज डूंग द बिगेस्ट रिसर्च वर्क रिगार्डिंग द न्यूक्लियर फ्यूजन बट द प्रेजेंटेशन विल बी डन बास एस ए यहाँ पे प्रेजेंटेशन कर रही है सो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज एप्सोल्यूटली राइट आपका आंसर यहां पर सही है बट याद रखना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट फिलहाल चाइना इंप्लीमेंट कर रही है यूनियन मिनिस्टर श्री पुरुषोत्तम रूपाला सर इनग्रेटेड ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बाद गुजरात अलाइनिंग विद्लोबल सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड डे कब होता है यह सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग यहां पर था अहमदाबाद गुजरात में इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया रूपाला साहब ऑब्वियसली मिनिस्टर है सो वर्ल्ड फिशरीज डे के एंगल में यह सवाल आपके सामने है जी आ, आंसर कर दीजिएगा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जिया ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ नवंबर की यहां पे बात करेंगे दो दिन का ये फेस्टिवल है जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था जिया डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों डे रिसेंटली लॉन्च मिसाइल कम एम्यूनेशन बाज एल एस ए एम लेड एट ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश इट इज द विच नंबर बाज ऑफ जीरो एट मिसाइल कम एम्यूनेशन बाज प्रोजेक्ट कौन से नंबर का यह प्रोजेक्ट है Yes, गुजरात स्टेट फिश भी अनाउंस किया गया है आंसर इज फोर्थ फोर्थ इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है मैंने पोल वैसे स्टार्ट नहीं किया था चलो एक और क्वेश्चन ले लेते ले वक्त हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते फिर रुक जाएंगे रिसेंटली समिट डायलॉग 2023 एक्सपांडिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी हॉरिजॉन्स वॉज ऑर्गेनाइज इन बेंगलुरु विथ विच ऑफ द फॉलोइंग की टॉपिक्स के डायलॉग्स ऑन एक्सपांडिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी हॉरिजो इसके एंगल में इसे ऑर्गेनाइज किया गया क्या क्या टॉपिक यहां पर डिस्कशन में रखे गए थे एथिकल चैलेंज ऑफ डिस्क्रप्टिव टेक्नोलॉजीज़, रोल ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, रिकोग्निशन ऑफ डायवर्स नॉलेज सिस्टम ऑल ऑफ दी अबाव ए एंड बी ओनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दी अबाउट डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एब्सोल्युटली राइट बड़ा आसान सा सवाल यहां पे था आई बेंगलुरु यहां पे इन्वॉल्व थी ऑब्वियसली आई बेंगलुरु के ही कैंपस में से ऑर्गेनाइज किया गया सो वेरी सिंपल एंड प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भी यहां पे प्रेजेंट थे हु इज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ इंडिया इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का नाम बता दीजिए बिकॉज यहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट थे किसके मदद से ऑर्गेनाइज किया गया यह सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा आई 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 सी बेंगलुरु का कैंपस है और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भी यहां पर इन्वॉल्व है ये बहुत बड़ी पोस्ट है ये डायरेक्टली पीएम साहब 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 को रिप्रेजेंट करते हैं जी आप यहां पे पीके पीके की की बात की जाएगी सुध है प्रवीण साहब है जो फिलहाल हमारे देश के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है एब्सोल्युटली राइट right, बहुत बढ़िया ठीक है चलो वेरी गुड गाइज दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर द डे विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी तब मिलेंगे एंड टमोरो नेक्स्ट सेशन सैटरडे को हम लोग मोस्टली हमारा मैराथन रखने वाले है तो तीन सब्जेक्ट का मैराथॉन सैटरडे को होगा जहां पर रीजनिंग जीए और इंग्लिश तीन सब्जेक्ट का मैराथन होगा लंबे समय के लिए मेरा सेशन उसमें कम से कम डेढ़ से दो घंटे का रहेगा सो विल सी यू ऑन द डेली बेसिस लेक्चर तो चलेगा पर सैटरडे को मोस्टली हमारा मैराथन रहेगा ध्यान रखेगा ठीक है चलो बाय बाय टेक इन द नेक्स्ट सेशन बाय बाय